माई डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माई चैनल माई पाठशाला बाई नीतू निगम। मैं आपके लिए NCERT ओलंपियाड वर्क बुक क्लास फिफ्थ की वर्कशीट चैप्टर वाइज लेकर आ रही हूँ, जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर 9 तक कवर कर दिया है और आज हम चैप्टर 10 लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इट के वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज विंडो 10? ऑप्शन ए, इट इज वन ऑफ द जनरेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो OS। बी, इट इज द सुसेसर ऑफ विंडो 8.1। सी, इट इंट्रोड्यूस द माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर। एंड डी, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, नाउडेज एनिमेटेड मूवीज आर डिस्प्ले विथ द हेल्प ऑफ स्किल्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स सो दैट व्यूअर गिव्ड अ रियल टाइम एक्सपीरियंस द व्यूअर माइट फील द कैरेक्टर्स हैव बिकम लाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोवाइड सच एक्सपीरियंस? ऑप्शन ए 2D, बी 3D, सी VOIP एंड डी IVR। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3D। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वियरेबल डिवाइस डैट रिफ्लेक्ट प्रोजेक्टेड इमेज एंड अलाउ द यूजर टू सी थ्रू इट? ऑप्शन ए एविएशन डिस्प्ले, वी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, सी ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले एंड डी बटन टच डिस्प्ले। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले दैट प्रोजेक्ट्स इमेज एंड अलाउ द यूजर टू सी थ्रू इट्स डिस्प्ले द गिवन इमेज सो दिस डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अयुथेंटिकेशन एनालिसिस पीपल्स फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडेंटिफाई देम एंड टू प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल? ऑप्शन ए पासवर्ड रिकॉग्निशन, बी बायोमेट्रिक, सी ऑनरशिप ऑथेंटिकेशन एंड डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, नाउडे यू डोंट नीड टू क्लिक एन आइटम और बटन ऑफ प्रिफर अ टास्क, इंस्टेड यू यूज प्री डिफाइंड फिंगर्स मोशन सच एज एन अपवर्ड फ्लिक, टच एंड ड्रैग टू परफॉर्म कॉमन टास्क ऑन टच स्क्रीन डिवाइसेस। दीज मोशंस आर कॉल्ड? ऑप्शन ए टच पॉइंटर्स, बी टच गेस्चर, सी मोशन स्कैनर एंड डी मोशन आइकॉन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टच गेस्चर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? ऑप्शन ए इट इज ए स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, बी इट प्रोवाइड्स लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन इन ऑल वेदर कंडीशन, सी इट कैन बी यूज टू ट्रैक द व्हीकल्स एंड डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। GPS वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन ऑल वेदर कंडीशन दस हेल्पिंग यूजर टू ट्रैक लोकेशन ऑब्जेक्ट्स एंड इवन इंडिविजुअल्स। GPS टेक्नोलॉजी कैन बी यूज बाय एनी पर्सन इफ दे हैव ए GPS रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 7, arrange the Android version in ascending order from the earliest release to the latest release. Option A Android 10 Oreo,
pi now get android 11 b now get oreo pi android 10 android 11 c now get android 11 pi oreo android 10 and d android 11 now android 10 oreo and pi correct answer is option b now oreo pi android 10 and android 11 question number 9 which of the following falls under biometric recognition 1 iris recognition b dna matching c face recognition option a only 1 b only 2 c only 3 d 1 2 and 3 correct answer is option d 1 2 and 3 IRIS recognition is a method of identifying people based on unique patterns within the ring-shaped region surrounding the eye. DNA matching is used to, for the example, parentage testing and criminal investigation to identify a person or the place a portion of crime scene. A face recognition system is capable of identifying or verifying the person from the digital image or a video from a video source, and all this falls into the category of biometric recognition system. Question number 9. Select the odd one out with respect to online money transfer app. Paytm, FreeCharge, and PayPal. This so correct answer is option C, except option C, all the others are example of online money transfer apps. Option C is Instagram, that is the photo and video sharing social networking service. Question number 10. Which of the following statement is are correct about 3D printing? Statement 1, it is the process of making real solid objects from a digital file. Statement 2, it is also known as additive manufacturing, where a 3D printer creates a three-dimensional object by depositing material. Option A, only statement 1. Statement 1, it is the process of making real solid object from. Question number 10. Which of the following statement is are correct about 3D printing? Statement 1, it is the process of making real solid objects from a digital file. Statement 2, it is also known as additive manufacturing, where a 3D printer creates a 3D dimensional object by depositing materials. Option A, only statement 1, B, only statement 2, C, both statement 1 and statement 2, D, neither statement 1 nor statement 2. Correct statement is option C, both statement 1 and statement 2. Question number 11. Which of the following does not belong to the category of mobile operating system? Option A, Android, B, iOS, C, macOS, and D, both A and B. Correct answer is option C, macOS. Question number 12. Activity trackers are devices that monitor fitness activities such as distance traveled or run, category consumed, etc. to check your fingers level. They are example of technology. Option A, cloud, view of streets, real-time traffic condition, etc. C, it is a photo sharing and storage service for unlimited storage of photo. And D, it is a file storage and
synchronization service that allow user to store files on their server. Correct answer is option D. D is a incorrect match. Question number 19. A laptop from Google that runs on Chrome OS is option A, Chromebook Pixel, B, Retina Display, C, Surface Pro, and D, Nexus. Correct answer is option A, Chromebook Pixel. Question number 20. Which of the following statement holds true about iPod Touch? Statement 1. It is all-purpose mobile device with a touch screen controlled user interface. Statement 2. It connects to the internet only through Wi-Fi base stations. It does not use cellular network data. Option A. Statement 1. B. Only statement 2. C. Both statement 1 and statement 2. And D. Neither statement 1 nor statement 2. Correct answer is option C, both statement 1 and statement 2. आज के लिए इतना ही. आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें. साथ ही आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने फिफ्थ क्लास कंप्यूटर्स की प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखी है, उसे आप ज़रूर देखें. थैंक यू.